आप सच में मुझसे नाराज नहीं है? अरे विक्की, तुम अभी आई हो? सब ऐसे बात कर रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तुम अंदर आओ। आपने कहा था कि वो आप सबकी जान है और मैंने उसका दिल दुखा के रुलाया। आप सबको मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? विक्की, अगर तुमने निक्की से झूठ कहकर उसका दिल तोड़ा होता ना, तो मैं तुम्हें जान से मार देता। निक्की को तुमसे कुछ उम्मीद थी जो तुम उसे दे नहीं पाए। उसका दिल टूटा और वो चली गई। तुम्हारी क्या गलती है? तो मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता है? जब से निक्की जिंदगी से गई है, मुझे सब कुछ अधूरा लगने लगा है, जैसे सीने में दिल ही ना हो। हार्ट ब्रेक्स ऐसे ही होते हैं विकी। ब्रेकअप्स मेरे लिए कोई नई बात नहीं है चीजू। मैंने ब्रेकअप नहीं कहा विकी, हार्ट ब्रेक कहा है। तुम्हारी कई गर्लफ्रेंड्स रही होंगी, पर तुमने क्या उनमें से किसी की बात मानी कभी? उनमें से किसी के लिए बदले हो? उनका गुस्सा झेला? या फिर उनके जाने से तुम्हें फर्क पड़ा? तो तुम्हें आज तक प्यार हुआ ही नहीं, तो तुम्हें हार्ट ब्रेक कैसे हो सकता था? हार्ट ब्रेक तब होता है जब तुम जिससे प्यार करते हो वो तुमसे दूर हो जाए। क्या मुझे प्यार हो गया? गुड नाइट। विकी भैया, विकी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। छुट्टियों के लिए गया है। हाँ, छुट्टियों पे? ऐसे अचानक तो क्या हुआ? कहाँ गया वो? नहीं बताऊंगी। हाँ? मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ यार। ऑल द बेस्ट। किल इट मैन। थैंक्स। और हाँ, पहुंचते ही फोन कर। विक्की? जी पापा। ठीक से पहुंच गए ना? हाँ, बस अभी पहुंचा हूँ, एयरपोर्ट पर ही हूँ। ओके। मेरे दोस्त का बेटा भी उसी शहर में है। हाँ। वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर है। ओके। बेटा, तुम उसी के साथ क्यों नहीं रह जाते? पर क्यों पापा, ये शहर मेरे लिए नया थोड़ी है। बेटा, अब हालात पहले के जैसे नहीं है। मेरी बात मानो, वो तुम्हारी मदद करेगा। अच्छा, नाम क्या उनका? खुल्ला खाओ। खुल्ला? बिना शर्माए खुल्लम खुल्ला खाता हूँ। इस वक्त फोन पे पप्पा से टॉकिंग है ना? लो अंकल, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। खुल्ला खाओ ने आपके बेटे के लिए दिल के दरवाजे खोल दिए हैं। ओके, खाते रहो। तो फिर चले। 2 मिनट्स वेटिंग फॉर डिलीवरी। ओके। इधर रह गया, गुल्ली में सोया है क्या? चलो, पार्सल मिल गया, कम ऑन गो। इसमें क्या? आईफोन? दिल दहाड़ के पिक्चर है। ये कब रिलीज हुई? इंडिया में नेक्स्ट ईयर होगी, इधर इसी हफ्ते करूंगा। तुम सारी फिल्में यहीं पर रिलीज करते हो? 70-80 पिक्चर तो चलते चलते रिलीज करता हूँ। बद्रू, बसे सर, लल्लन, सब की पिक्चर मेरे पास ही आती है। व्हाई स्टॉप वॉकिंग? तुम आखिर हो कौन यार? अरे बाप रे, तुम पायरेसी का बिजनेस करते हो? यस। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, लोग मुझे कहते थे क्या कॉपी कैट है। कॉफी पीते पीते कॉपी करना शुरू कर दिया। उसी टैलेंट को मैंने बिजनेस में घुमा दिया। इन सब की बेरोजगारी दूर कर दी है ना गाइस? यस सर। व्हाट यू थिंकिंग? चोरी करने वाला गलत है या चोरी की चीजें इस्तेमाल करने वाला? टेल टेल। मुझे क्या, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ओके, गिव मी लड़की का एड्रेस। रेडी हो जाओ तो मैं दबंग बनाता हूँ। मैं तो भी रेडी हूँ, चलो। थोड़ा हाथ मुंह तो धो ले यार। रेडी हो गया, चलो। घोड़े पे आया है, घोड़ी चढ़ने। जीपीएस में एड्रेस टाइप करो भाई। यू हैव अराइव्ड एट योर डेस्टिनेशन। मजाक मत कर भाई, एड्रेस डालना। You have arrived at your destination. Hey, क्या चाइना का माल लगा के रखा है? नीचे उतर भाई। क्यों? गेट आउट कार। पर क्या वो तो बताओ। ये सामने वाला घर है भाई। ये वाला? हाँ, ये सफेद घर। यहाँ तू निक्की को मिलने आया क्या? हाँ? भाई, That means you, Vicky. Vicky,
कहाँ है वो? के? कहाँ है वो? किधर है वो? अभी मजाक चखा दे उसे। अरे आगे आ। अरे बोलो सही। विकी। कहाँ है विकी? आज बोलो निक्की कहाँ है विकी? इस कॉलोनी में निक्की सबकी फेवरेट है। वो इंडिया से रोते रोते आई और यहाँ सबको बता दिया विकी इज अ बैड बॉय। बाप रे। अब ये सब मिलकर विकी की आलू टिक्की बनाने के लिए लाल पीले हो रहे हैं। ही इज रमेश निक्की के चाचा। बोलो निक्की। किसके मुंह से वो नाम निकला? सब निक्की के मुंह से। एक बार वो तुम्हें पहचानेंगे तुम खुद को नहीं पहचानोगे। क्या वही लड़का है? मैं इसे नहीं जानती चाचू। बच गए। रमेश जी यह कृष्णा मेरे बड़े चाचा का छोटा बेटा। तो तुमने विकी का नाम क्यों लिया? वो मैं सोच रही थी और मेरे मुंह से नाम निकल गया तो। ये गंदा क्यों? सर 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 प्लीज आप इस तरह रोइए मत, बहुत ही गंदे दिख रहे हैं। मतलब आपको देखकर हमें भी दुख हो रहा है। गुस्से में मेरी शक्ल ऐसे बन जाती है। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, कोई नहीं, बात नहीं, नहीं। मैं तो पराए देश में अपनों को देखकर ही खुश हो गया हूँ। तुम लंदन पहली बार आए हो? जी सर। फ्लाइट में बैठकर मैं यही सोच रहा था कि मुझे लंदन में घर जैसा खाना कहाँ मिलेगा। खुल्ला से तो पानी भी नहीं उबलता, लगता लंदन में भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे ऐसा नहीं बोलते, कल हमारे घर पे खाना खाने आ जाना। आप इतने प्यार से कह रहे हैं तो आ जाऊंगा। कृष्णा इनको जानते नहीं और जान हथेली पे रखने को तैयार हो गए। ऐसे क्यों बोल रहे हो? वैसे भी नाम में रखा क्या है? मेरा नाम है रमेश और ये मेरे भाई की बेटी निकी। हाय। मेरे लिए बेटी से बढ़कर है। कौन है? चलो चलो आओ अंदर आओ। मेरी वाइफ शांति। हेलो भाभी। हाय। ये कृष्णा है खुल्ला खाओ का भाई। आज ही लंदन आया। क्यूट। क्या नाम है इसका? कोंडा बाबू। खुशी बता दिया सबको मेरा नाम। देखो कैसे हंस रहे हैं ये लोग। ये कैसा नाम है? पूछो पूछो इसी का जवाब तो मैं भी मांग रहा हूँ। ये नाम कम और गाली ज्यादा लगता है। मेरे दादाजी का नाम है। ओ अच्छा अच्छा। अगर अपने दादाजी से इतना ही प्यार था तो अपना नाम कोंडा रख देते। मेरा नाम कोंडा क्यों रखा? एना कोंडा रख देते सब हंसते तो नहीं। मेरा कोंडा बेबी माय स्वीट कोंडा मेरा नॉटी कोंडा। बेटा बोल दो लल्ला बोल दो ये कोंडा कोंडा क्या है? तो ठीक है कल लंच पे। बाय बाय। निकी मेरी जरूरत पड़े तो फोन करना मैं आ जाऊंगी। हाय निकी कैसी हो तुम? तुम लंदन क्यों आए? आई एम रियली सॉरी निकी तुम्हें हर्ट करने के लिए। तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। विकी जानते हो इंडिया में मैंने तुमसे कितनी बार आई लव यू कहा था? गिनने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे हर रोज कहती थी। और तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे कितनी बार कहा था? इतना मत सोचो, तुमने एक बार भी मुझसे नहीं कहा। जाओ यहां से विकी। निकी प्लीज। व्हाट? तुमने उस दिन मुझसे आई लव यू कहा था पर मैं कंफ्यूज था। आज मैं तुमसे आई लव यू कह रहा हूं पर तुम गुस्सा। लेकिन जब तुमने कहा 2 महीने ट्राई करके देखेंगे तब मैं मान गया था। अब मैं तुमसे टाइम मांग रहा हूँ, मुझे 2 महीने दो। क्यों दो? ताकि तुम्हें फिर से मुझसे प्यार हो जाए। विकी तुम पहले से ही पूरी तरह कंफ्यूज थे पर तुम्हें लेकर मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मेरा जवाब फिर भी ना होगा। ठीक है तुम अपने फैसले पर अड़ी रहो पर मैं तुम्हारा फैसला बदल के रहूंगा। अगर चाचू को मैंने बता दिया कि तुम ही विकी हो तो? ओह तो ये विकी है। बताना होता तो बता चुकी होती, उनसे झूठ नहीं बोलती। गंदा इंसान मेरी बहन को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा। तो 2 महीने के लिए ट्राई करते हैं, अगर फिर से प्यार हो गया तो हम सबको बता देंगे, नहीं तो फिर अरे प्यार तो होना ही है। रुको मैंने कहा रुको। अरे कहाँ जा रहे हो विकी, उसका पीछा क्यों कर रहे हो? अगर मेरी बहन ने माफ भी कर दिया ना तो मैं नहीं करूंगा, इतना पीटूंगा कि स्टिकर बना के फ्रिज पे चिपकाऊंगा। अरे रुको। ये आपके लिए। अरे लीजिए ना। अरे इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत? तकलीफ की क्या बात है, ये सब लाने की क्या जरूरत थी कृष्णा? इतने तोहफे। अरे वाह क्या कर रही हो शांति? कोंडा बाबू कहाँ? वो देखो वो रहा। ए कोंडा
ये यहाँ क्यों आ गया? लगता है सबको मस्का लगा चुका। हमारे लिए गिफ्ट लाया है। मजा खरीदना चाहता है ये, इसे अभी मजा चखाता हूँ। पापा यही है विकी, याद है आपको विकी? माँ आपको याद है विकी? इसके गिफ्ट्स मत लो, वापस कर दो। अरे अरे तुम भी ले रहे हो, मत लो मत लो मत लो। पसंद आया? लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। गिफ्ट अपनी जगह, बदला अपनी जगह। गिफ्ट जाकर अंदर रख दो, ठीक है ना? छोटा सा गिफ्ट बाद में रखते हैं। सॉरी, हम एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते कि मैं तुमसे गिफ्ट लूं। सो एक्सक्यूज मी। शाबाश पहना, कोई तो है इस घर में जो मेरी तरह अकलमंद है। खाओ खाओ, बहुत टेस्टी बना है। थैंक यू। खुला पुलाव खाओ। नहीं, मेरी बीवी इतनी अच्छी दाल बनाती है कि क्या बताऊं। हाँ, लेकिन ये दाल थोड़ी कढ़ी जैसी क्यों लग रही है? चुप रहो, खाते वक्त बात नहीं करते। सॉरी। हाँ, इसे भी फिश सर्व करो। नहीं चाचू, विकी को फिश से एलर्जी है। बहना, पापा को इसकी असलियत बता दो, फिर पापा इसे जहरीली फिश खिलाएंगे। जी, मेरा नाम तो कृष्णा है ना। हाँ। ये विकी है कौन? एक नंबर का आवारा है जो लड़कियों के दिल से खेलता है। बस एक बार मेरे हाथ लग जाए। ये विकी कौन है? ये बोल के सोते हुए शेर के नाक में गुदगुदी करने की क्या जरूरत थी? छींकता तो विकी। अरे कोई नहीं है भाई। ये चाओ यहां से। ओ, तुम ये भूल गए थे। ये तुम्हारे लिए। मुझे नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे भी नहीं चाहिए। यस। निकी, प्लीज खोलो ना। हैप्पी एनिवर्सरी। आज से 115 दिन पहले तुमने मुझसे आई लव यू कहा था। आज 15th वीक एनिवर्सरी है। तुम्हें बुरा लगा ना? समझ सकता हूँ। मुझे भी उतना ही दुख मिलेगा जितना मैंने तुम्हें पहुंचाया। निकी, नहीं निकी, प्लीज, मैंने बड़ी मेहनत से जोड़ा इसे। पर इसमें क्रैक्स तो अभी भी दिख रहे हैं। चाहे दिल हो या कोई गुड़िया हो, बात तो एक ही है विकी, एक बार टूट गया तो पहले की तरह जोड़ा नहीं जा सकता। सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता।